सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी कुवैत पे, उस पर इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया, लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखे, और कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपने जितने भी जॉब बताया उसमें, जो कि आप 10th और 12th के बाद कुवैत में कर सकते हो, वो सब तो ठीक है, बट आपने उसमें जो होटल वेटर के बारे में बताया था कि आप वेटर का काम कर सकते हो कुवैत में, अगर आप मिनिमम 10th या फिर 12th पास हो तो आपको वेटर का काम किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में आराम से आपको मिल जाएगा। इस पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और प्लस आपको टिप भी मिलता है इसमें, ठीक है, पैसे काफी अच्छे मिलते हैं। बट इसको करने के लिए आपको वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे, जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो ही आप ये काम कर पाओगे। तो पहले डॉक्यूमेंट सुनो, जो अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लेना, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट सुनो, फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा और कैसे अप्लाई कर सकते हो बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप डॉक्यूमेंट सुनो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है कुवैत पे, जिसको देख करके आप इधर आए हो, तो उस वीडियो में मैंने कई सारे काम बताया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके वीडियो देखना, उसमें और भी जॉब आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी बात करते हैं वीजा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। देखो, पहला डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट, अगर आपने नहीं बनवाया अपना पासपोर्ट तो बनवा लो, ठीक है। सेकंड है आपका मेडिकल, लगता है कि आपके शरीर में कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो आपको, इसके लिए आपके मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगती है, जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आपको पुलिस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वीजा के लिए, कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, तो ये भी चीजें आप ध्यान देना, अपना कोई ऐसा गलत काम मत करना, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली और भी कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है, अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास आधार कार्ड होंगे, पैन कार्ड होंगे, बैंक डिटेल्स होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होंगे, वैलिड पासपोर्ट्स होंगे, दो भी आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे कंपलसरी नहीं है, बट इनमें से आप ये सारे डॉक्यूमेंट अगर पास हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वीजा के लिए आपको लगता है, ठीक है, ये आपका कंसल्टेंट आपको बता देगा। अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। देखो, सैलरी कितनी मिलती है वेटर पे, देखो कुवैत में जो सैलरी मिलती है वेटर्स को, वो टिप तो आपको मिलता ही है, जो भी आप कस्टमर्स को अगर अच्छा आप ट्रीट करते हो तो आपको टिप मिलता है। बट अगर आप सैलरी की बात करो तो सैलरी जो मिलती है 180 कुवैती दिनार से लेकर के 250 कुवैती दिनार तक मिलती है, डिपेंड करता है आपके जॉब लोकेशंस के ऊपर भी। अच्छी लोकेशन जो होती हैं, जहाँ पे लग्जरी लोकेशंस होती हैं, वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है, और जो नॉर्मल लोकेशंस होता है वहाँ पे सैलरी भी थोड़ी कम मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान देना, ये इतने तक आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी कुवैत में। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। अप्लाई आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन में दिक्कत होता है, ऑनलाइन में काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन मत करना, बट आप एजेंट थ्रू करो। ऐसे एजेंट को पकड़ो जो कई लोगों को कुवैत में जॉब दिलवा चुका हो, जो फ्रॉड ना करे, पैसे लेके ना भागे। तो ये चीज ध्यान देना, सतर्क रखे ये सारे काम करना, ताकि आपके साथ गलत ना हो, बाकी आप बाद में परेशान मत हो। कई लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई हमारे साथ ये परेशानी हो गया, ये दिक्कत हो गया, तो ये चीज ध्यान देना। अब जाके वो 10th और 12th पास वाली वीडियो देखो, अगर आपको सच में दुबई या कुवैत में काम करना है तो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।